सभी 64 योगिनी मंदिर अत्यंत ही अनोखे एवं अद्भुत मंदिर हैं। इन मंदिरों को 64 योगिनी मंदिर या 64 योगिनी मंदिर दोनों नामों से जाना जाता है। भारत में वर्तमान में लगभग 8 या 9 मंदिर 64 योगिनी मंदिर का उल्लेख मिलता है, जो मुरैना, जबलपुर, खुजराहो, उड़ीसा, रानीपुर जैसे भारत के अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। चौसठ योगिनी मंदिर एक विशाल जलकुंड के समीप स्थित है तो दूसरा भुवनेश्वर की बाहरी सीमा पर धान के खेतों के मध्य स्थित है। इस मंदिर को देखने आप वर्ष के किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन बरसात और गर्मी के मौसम में न जाने की सलाह दी जाती है। चौसठ योगिनी मंदिर हीरापुर गांव में भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा है, जो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। योगिनी मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के समीप श्वेत रंग में रंगा भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसे संकटेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसके समक्ष नंदी की एक छोटी व मनमोहक मूर्ति है, जो रंग बिरंगे वस्त्र से अलंकृत है। परिसर के भीतर एक वृक्ष के नीचे खुले में श्री कृष्ण जी के गोपीनाथ रूप की अत्यंत मनभावन श्यामल प्रतिमा खड़ी है। मंदिर के बाहर एक सुंदर पुष्करणी अर्थात मंदिर का जलकुंड है, जिसके मध्य एक छोटा मंदिर भी है।
कौन हैं? योगिनियां देवियां अथवा यक्षिणियां होती हैं, जिन्हें तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत पूरा जाता है। इन योगिनियों को चक्र के आकार में प्रदर्शित किया जाता है। कदाचित यही कारण है कि उनके मंदिर भी चक्र के आकार में निर्मित होते हैं। प्रत्येक योगिनी इस चक्र अर्थात पहिए के एक आरे पर स्थापित होती है। प्रत्येक योगिनी की एक विशेष शक्ति होती है, जिसके आधार पर ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण संबंधित योगिनी की आराधना करते हैं। तांत्रिक क्रियाएं अत्यंत गोपनीय होती हैं। इस मंदिर में मुख्यतः चंडी पाठ अथवा देवी महात्म्य द्वारा देवियों की आराधना की जाती है। मंदिर के समक्ष पूर्व की ओर एक पीठिका है, जिसे सूर्य पीठ कहा जाता है। साधक अथवा भक्त इस पीठ का प्रयोग सूर्य की आराधना के लिए करते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार संकरा तथा कम ऊंचाई का है। प्रथम दृष्टि में सभी योगिनियां समान प्रतीत होती हैं। कुछ क्षण ध्यानपूर्वक निहारने ये पता लगता है कि उनके भाव, मुद्राएं तथा आसन सभी भिन्न हैं। 60 योगिनियां गोलाकार में स्थापित हैं। गोलाकार के मध्य एक चौकोर पीठ है, जिसे चंडी पीठ कहा जाता है। प्रत्येक योगिनी की प्रतिमा को अत्यंत सुंदरता से गढ़ा है। मंदिर की बाह्य भित्ति अपेक्षाकृत साधारण है। समान दूरी पर 9 आले हैं, जिनके भीतर देवी की 9 मूर्तियां हैं। इन्हें नवकात्यायनी अथवा नवदुर्गा कहा जाता है। बाहरी प्रतिमाओं का आकार भीतरी प्रतिमाओं से अपेक्षाकृत किंचित विशाल है। सभी प्रतिमाओं ने हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। प्रत्येक वर्ष 23 से 25 दिसंबर तक 64 योगिनी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंदिर के ठीक बाहर स्थित मंच पर ओडिशा नृत्य तथा संगीत का प्रदर्शन होता है। माघ सप्तमी के दिन एक विशाल यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिवस चंडी पाठ किया जाता है। मंदिर प्रातः 6 बजे से संध्या 7 बजे तक खुला रहता है। मंदिर बंद करने के ठीक पूर्व संध्या आरती की जाती है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है। मंदिर में प्रवेश शुल्क नहीं है। दान दक्षिणा का भी बंधन नहीं है।